गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस और टेंस का आज 33 डेज है, यानी 33वां दिन है, 33rd डे भी कह सकते हैं आप, ठीक है ना। अब आज का टेंस पूरे टेंस में सबसे इजी टेंस होता है सबके लिए, ठीक। आप भी यही समझ रहे हो कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या है। तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट में कुछ नहीं है इंग्लिश वाले में, हिंदी वाले में तो है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। लेकिन हिंदी में तीन शब्द मैं दे दिया हूँ, आज का क्लास इंग्लिश टू हिंदी रहेगा। यानी मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, He wrote a letter. ठीक, अब ट्रांसलेट इनटू हिंदी। आपको हिंदी में अनुवाद करना है तो आप क्या करोगे, वह ला भैया सब कुत्ते शोर मचाने लगे, शाम है ना, वह पत्र लिखता था, ये देखो, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या, वह पत्र लिखा, वह पत्र, ठीक ना, वह पत्र लिखा। और थर्ड वाले में वह पत्र लिखा था, ठीक ना। अब देखो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन टफ होता है। जैसा कि ये हिंदी फर्स्ट मिला, देख लीजिए आप, ये कहा मिला, सेकंड मिला, और यह कहा मिला, थर्ड मिला। अब देखिए यहां पर तीनों हिंदी सही है, वह पत्र लिखता था यानी उसे पत्र लिखना आता था, वह पत्र लिखना जानता था और वह पत्र लिखने का कार्य करता था, इतना सेंस निकलेगा। वह पत्र लिखता था अर्थात पत्र लिखना आता था, पत्र लिखना जानता था, पत्र लिखने का कार्य करता था, ठीक ना। तो अगर कार्य करता था तो यह हैबिचुअल एक्शन है, बार बार पत्र लिखता था, लिखने का कार्य करता था। अब चलिए, वह पत्र लिखा बार बार, नहीं एक बार, वह पत्र लिखा था बार बार, नहीं एक बार। तो इन दोनों स्ट्रक्चर से, इन दोनों स्ट्रक्चर से क्या हुआ, बार बार की घटना नहीं, एक बार की घटना का बोध होता है, एक बार की घटना। और यहां जो है बार बार की घटना, बार बार की घटना, ये अंतर है। तो बार बार की जो घटना होगी, पास्ट टाइम में बार बार कोई घटना घटती थी, इसका मतलब वो हैबिचुअल एक्शन है। वह मंदिर जाता था, वह मस्जिद जाता था, वह गिरजाघर जाता था, तो बार बार जाता था, हैबिचुअल एक्शन। और वह मंदिर गया, एक बार गया, वह रविवार को मंदिर गया या रविवार को मंदिर गया था, एक बार की बात। और वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, बार बार की घटना। तो ये अंतर होता है। अब देखो आप ऐसे वाक्यों में फेल कहाँ हो गए, तो दिखा देता हूं मैं जहां आप फेल हो जाएंगे। I took milk before eating. I took take का second form है, take milk का मतलब दूध पीना। तो I took milk before, मैं
पहले क्या दी दूध पीता था, मैं पहले दूध पीता था, मैं पहले दूध पिया, मैं पहले दूध पिया था, सब किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपका लगा देगा, किसी भी सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट की चर्चा नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट रख दो, सेकंड फॉर्म लगा दो। तो अब देखो ऊपर वाले वाक्य में तो अब सफल हो गए तीनों अनुवाद करके, लेकिन यहां देखो मैं पहले दूध पीता था, अब नहीं पीता हूं, ठीक सही हो गया। अब देखो मैं पहले दूध पिया, गलत हो गया, इसका मतलब कि किसी के पहले। अब यहाँ बिफोर का क्या मतलब है भाई? बिफोर देखो मैं पहले, समय सूचक शब्द है वो, मैं पहले दूध पीता था अब नहीं पीता हूँ, सेंटेंस सही हो गया। अब मैं पहले दूध पिया यानी किसी व्यक्ति के पहले या किसी व्यक्ति के सामने, गलत हो गया, तब तक प्रीपोजिशन का भाव देने लगेगा, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या है, मैं पहले दूध पिया है, प्रीपोजिशन नहीं है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक ना। अब देखो यह सेंटेंस दोनों गलत हो गया, तो अगर इसका ज्ञान नहीं है आपको, सेंस नहीं है आपके पास कि क्या अनुवाद करें, तीनों शब्द को नहीं जानते हो, तो गलती कर बैठोगे। मैं पहले दूध पीता था सही है, मैं पहले दूध पिया गलत है, मैं पहले दूध पिया था, ठीक ना। आप देखो ओके, अब ट्रांजिशन करो, मैं प्रातः में दूध पीता था, मैं प्रातः में दूध पीता था, ये क्या कर दिया है सॉरी ये प्रातः, अब सही, कभी कभी हो जाता है दिवाली, प्रातः मैं प्रातः में दूध पीता था, मैं प्रातः में दूध पिया था। अब बोलो तो ट्रांसलेट इनटू हिंदी बड़ा खतरनाक है, मैं प्रातः में दूध पीता था पहले की बात है, हैव यू इलेक्शन पास्ट टाइम का सही है, मैं प्रातः में दूध पीता था अब नहीं पीता हूं, अब मैं प्रातः में दूध पिया अरे आज की घटना एक बार की, दोपहर में नहीं प्रातः में, ओके और पिया था, ओके तीनों सही हो गए, देखे ये चीज है।
अरे मी क्यों लगाया यार? He abused you. वहां तुम्हें गाली, वहां तुम्हें गाली देता था, वह तुम्हें गाली दिया, वह तुम्हें गाली दिया, दिया था, वह तुम्हें गाली देता था, तीनों सही है, गाली दिया वो भी सही, तीनों सही, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करते समय सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए, अगर कुछ और बात इनको मैं देता हूं, मैं तो कहूंगा कि गुरुजी एकदम साथ में निपटा दिए, ठीक ना। आपको पास्ट इंडिफिनिट में इंग्लिश टू हिंदी जाना है, हिंदी से अंग्रेजी बनाना तो बिल्कुल इजी है, लेकिन इंग्लिश से हिंदी कठिन है। तो देख लीजिए यहां को, आई वॉक दिस मॉर्निंग, अब इसमें अगर आप करते हो मैं आज पढ़ाता, टहलता था, मैं आज प्रातः टहला था। अब आप खुद विचार करो, दिस मॉर्निंग का मतलब आज प्रातः, दिस मॉर्निंग का मतलब आज प्रातः, मैं आज प्रातः टहला था, सही। देखियो, मैं आज प्रातः टहला था, आज मैं आज प्रातः टहला, दोनों सही है। अब मैं आज प्रातः टहलता था गलत है, यानी यह ट्रांसलेशन रॉन्ग हो गया और नीचे वाला दोनों सही हो गया। इस तरह से आपको इस टेंस में बिल्कुल अलर्ट रहना है। तो अगले क्लास तक के लिए कहा भाई, टाटा बाय बाय, थैंक यू।